धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का कल से होगा आगाज। अभियान के तहत सोलन के नालागढ़ में गौरव दिवस का किया जाएगा आयोजन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हवलदार सुरेश कुमार की शहादत पर जताया शोक, कहा देश की सेवा में उनके अद्वितीय बलिदान को किया जाएगा याद। राजस्व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का किन्नौर दौरा, कहा दौरे के दौरान यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से लघु व सीमांत बागवानों को मिल रहा है लाभ। मंडी में राज्य कामगार बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर की अध्यक्षता में कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा जागरूकता व वितरण समारोह का आयोजन। जिला में कामगारों को 9 करोड़ 26 लाख रुपए के वित्तीय लाभ किए गए प्रदान। बाल दिवस के अवसर पर अरिहंत इंटरनेशनल विद्यालय में विशेष कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। हर बच्चे के लिए हर अधिकार पर आधारित रही कार्यक्रम की थीम। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बिलासपुर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। विद्यार्थियों को सुरक्षित यातायात के बारे में किया गया जागरूक। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने सिरमौर के बागथन में बाल दिवस मेले का किया शुभारंभ, कहा प्रदेश के गांव जब समृद्ध व किसान खुशहाल होंगे तभी हिमाचल निर्माता का सपना होगा साकार। प्रदेश में ठंड का बढ़ने लगा प्रकोप, कल से ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी के आसार।